उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस 26 मई को जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। 25 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी जयापाल ने अतीक गैंग के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया। इस एफआईआर के मुताबिक अतीक अहमद और अशरफ अहमद को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। अतीक के बेटे असद को साजिशकर्ता और शूटर बताया गया, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता और बहन आयशा नूरी को भी साजिशकर्ता बताया गया। इस एफआईआर में गुड्डू मुस्लिम समेत कई शूटरों के नाम भी शामिल हैं। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी, जबकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता, परवीन और आयशा नूरी फरार हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन को वहां गैंग वॉर होने की भी आशंका सता रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के सबसे बड़े दुश्मन बम्बिया गैंग के कई गुर्गे भी तिहाड़ जेल में ही बंद हैं, और इसी वजह से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि वो लॉरेंस से बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी अगर उन्हें मौका मिल गया तो फिर वो किसी भी कीमत पर लॉरेंस का खात्मा करने से नहीं चूकेंगे। बम्बिया गैंग के अलावा लॉरेंस को टिल्लू ताजपुरिया के गुर्गों से भी खतरा है। इसी महीने की 2 तारीख को टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल के अंदर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड़ ने टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसीलिए इस बात का डर है कि तिहाड़ में लॉरेंस से टिल्लू की हत्या का बदला भी लिया जा सकता है। उधर सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक दूसरे के खून के प्यासे गैंगस्टर आपस की दुश्मनी भुलाकर गठबंधन करने की तैयारी में है, और तिहाड़ जेल अवैध वसूली का नया अड्डा बन सकता है। और देश और विदेश से वसूली के लिए आने जाने वाले फोन कॉल्स का नेटवर्क दिल्ली की तिहाड़ जेल से ऑपरेट हो सकता है। दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई की उन गैंगस्टर से दोस्ती हो सकती है जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद उसके जाने दुश्मन बन गए थे। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के बीच दोस्ती करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही आपस में दुश्मन रहे दूसरे गैंगस्टर के बीच भी दोस्ती की कोशिश की जा रही है, जिससे अवैध वसूली का नया नेटवर्क दिल्ली की तिहाड़ जेल में तैयार किया जा सके। उधर ईरान ने इसराइल के तमाम दुश्मनों को इकट्ठा कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश बंद नहीं की तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ईरान के इस कदम का अंजाम यह भी हो सकता है कि इसराइल उसे पूरी तरह तबाह कर दे। इसराइल के मिलिट्री चीफ ने आरोप लगाया कि ईरान जानबूझकर उन देशों और संगठनों की मदद कर रहा है जो इसराइल के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि इसराइल ईरान को इसकी सजा जरूर देगा, जिसके लिए उसने सीरिया में मौजूद ईरान के ठिकानों पर बम बरसाने भी शुरू कर दिए। इसराइल का दावा है कि ईरान उसके देश में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ईरान की इस प्लानिंग को सफल होने नहीं देगा। उधर पाकिस्तान में इमरान खान को 2 बड़े झटके लगे हैं। इमरान की पार्टी के 2 बड़े नेता फवाद चौधरी और असद उमर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीटीआई कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इमरान की पार्टी पर सरकार प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इमरान खान ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को अंडरग्राउंड रहने की सलाह दी है। इमरान खान ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से देश के लोकतंत्र को बचाने की अपील की। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और नेता फैयाज चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फैयाज चौहान ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनकी अनदेखी की जा रही थी।